आमेखलम सचरताम घनानाम छायामदः सानुगताम निषेव्य उद्भेजिता वृष्टिभिराशरन्ते श्रृंगाणी यस्यात्पवंती सिद्धा। हिमालय की गोद में पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ऋषि मुनियों की सिद्ध स्थली, सज्जनों की कर्म स्थली, देवभूमि हिमाचल वो तपोभूमि है जहां सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। नीति निर्धारण कभी किसी के विकास में बाधा न बने, यह हिमाचल प्रदेश का दृढ़ निश्चय रहा है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का एक सशक्त प्रमाण है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने प्रदेश में पहला वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में 3 अंतर्राष्ट्रीय, 6 राष्ट्रीय स्तर के रोड शो तथा दिल्ली में एक राजदूत सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सबका उद्देश्य रोजगार सृजन, आंतरिक क्षेत्रों का विकास और हिमाचल प्रदेश को औद्योगिकरण में उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन धर्मशाला में 7 नवंबर 2019 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। हिमाचल की कम्युनिटी और यहाँ का पोटेंशियल, आपकी कैपिटल और सरकार की पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत बड़े परिवर्तन का माध्यम है। 27 दिसंबर 2019 में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 2 महीने के अंतराल में ही प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ। इसमें 13,488 करोड़ के 236 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को फलीभूत होते देख निवेशकों का हिमाचल प्रदेश सरकार पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है। वैश्विक महामारी के बावजूद गत 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने में नए आयाम अर्जित किए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आज की द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में लगभग 272 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग फलीभूत होते देख हम सब अति उत्साहित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में SJVN द्वारा जल परियोजना, उद्योग क्षेत्र में SMPP ग्रुप द्वारा प्रदेश का पहला डिफेंस पार्क, किनवन ग्रुप द्वारा API यूनिट, इंडोफार्म द्वारा ऑटो एंड एंसिलरी पार्क, पर्यटन क्षेत्र में दीक्षा हॉस्पिटैलिटी द्वारा 5-स्टार रिजॉर्ट एवं आयुष क्षेत्र में फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंसेज द्वारा आयुष मेडिसिटी तथा प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में जैसे IT, हाउसिंग व शहरी विकास, शिक्षा, बागवानी इत्यादि में भी नई परियोजनाएं लग रही हैं। इन सभी परियोजनाओं से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु निरंतर प्रयास करते रहें व वीर भूमि हिमाचल प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते रहें।